यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। चलिए जानते हैं कि राशि के अनुसार भाग्य चक्र में आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, ऑफिस में जिम्मेदारी मिलने के योग है, नए अनुबंध होने की संभावना बन रही है। मेष राशि वालों के लिए दिन अच्छा साबित हो सकता है। गोचर कुंडली के धन भाव में चंद्रमा होने से धन लाभ के योग बन रहे हैं। इनकम बढ़ सकती है, कर्जा चुकाने के भी योग है। पैसों से जुड़े मामले को लेकर आपकी सोच में बदलाव हो सकता है। कोशिश करेंगे तो पैसों की स्थिति में सुधार होने की संभावना है। मेहनत के जरिए धन लाभ हो सकता है। एक्स्ट्रा काम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लोगों से मिलना और बातें करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उनसे आपको कामकाज की नई बातें पता चल सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के भी योग है। किसी एक व्यक्ति के साथ आपके संबंधों के बीच कोई मामला सुलझने के योग है। संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी में अधिकारी आपसे खुश हो सकते हैं। नई जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना है। वृष राशि, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। सफलता के योग है। नौकरी मिल सकती है। लव पार्टनर से प्यार, सहयोग और सुख मिल सकता है। जो आपके लिए खास है, कोई बड़ा काम आपको अकेले ही करना पड़ सकता है। ऑफिस में कोई अच्छी खबर मिलने के योग है। किसी समस्या का समाधान भी आज आपको मिल सकता है। दोस्तों से जुड़े किसी काम में उलझ सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने में आनंद मिलेगा। पैसों के मामले को लेकर तनाव कम हो सकता है। बिजनेस के बहुत से मामलों में परिवार की मदद मिल सकती है। नए कारोबार की शुरुआत होने के योग है। बिजनेस से जुड़ा सौदा आपके फेवर में हो सकता है। न्यायालयीन कामों में जीत मिलने का योग है। कुल मिलाकर आपके लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है। मिथुन राशि, सरकारी तंत्र से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। लेन देन में सावधान रहें। कुछ लोग परेशान भी हो सकते हैं। सोचे हुए काम निपटाने में आपको परेशानी हो सकती है। पार्टनर का मूड ऑफ हो सकता है। मूड बनाने के लिए आप कुछ भी नया करने की कोशिश ना करें। हल्की फुल्की बातों तक ही सीमित रहें। आपको कोई पुराना बिल या पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। कामकाज में उलझने के कारण आप बार बार कंफ्यूज भी हो सकते हैं। हर काम में सावधानी रखें। ज्यादा दौड़ भाग भी करनी भारी पड़ सकती है। अचानक धन हानि के योग भी बन रहे हैं। दिन इतना सफलदायक नहीं कह सकते जितना आपने सोचा है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी कोई समस्या हो सकती है। पैसों के लेन देन में सावधान रहे, आपका खर्चा बढ़ सकता है। जीवन साथी से विवाद हो सकता है। भोजन में सावधानी रखें, कम भोजन करें। कर्क राशि, अपने बॉस या सीनियर्स की नजरों में अच्छे बन सकते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से धन लाभ हो सकता है। फायदा होगा, संबंधों में सुधार भी हो सकता है। सबका सम्मान करें, आपके फैसलों में सटीकता रहेगी। नए बिजनेस के लिए आपकी कोशिशें सफल हो सकती है। बिजनेस और नौकरी में भी सफलता के योग है। विवाह योग्य लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। कंफ्यूजन की स्थिति बनने पर अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। नौकरी या बिजनेस में आने वाले मामलों पर बातचीत करने के लिए अच्छा समय है। प्रेमी के साथ चल रहा तनाव सुलझने की संभावना है। कोई बड़ा फैसला लेना हो तो अपने साथियों से सलाह लें। सिंह राशि, कार्य क्षेत्र और बिजनेस में कई शुरुआत के योग बन रहे हैं तथा नया काम और नए लोगों और से भी मुलाकात हो सकती है। भावनात्मक संतुलन रखें तो पार्टनर आप पर पूरा भरोसा कर सकता है। जॉब या बिजनेस संबंधी कोई नई योजना बन सकती है। अपने दोस्तों के साथ कुछ मामलों पर बात करने के लिए आप बहुत बेचैन हो सकते हैं। आज आप दूसरों की भावनाएं आसानी से समझ सकेंगे। बिजनेस में सफलता के लिए फुर्ती से काम करना जरूरी है। कॉन्फिडेंस के दम पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। कार्य क्षेत्र के साथ लोगों से मदद मिल सकती है। कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। नौकरी में नया काम मिलने के योग है। इनकम के लिए रास्ते सामने आ सकते हैं। कन्या राशि, इस राशि के कुछ लोगों को किस्मत का साथ मिल सकता है। कम मेहनत में भी ज्यादा फायदा हो सकता है। कुछ मामलों में दिन अच्छा कहा जा सकता है। कई दिशा में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस का कोई अटका हुआ मामला आज निपट सकता है। अधिकारी आपसे इंप्रेस हो सकते हैं। कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो भरोसेमंद लोगों से बात करें।
उपयोगी सलाह मिल सकती है। कार्य क्षेत्र के बड़े काम संयम से निपट जाएं। आप जिस ढंग से बातचीत करेंगे उससे दूसरे लोग आपके फेवर में हो सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छी स्थितियां बन सकती है। तुला राशि, नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सावधान रहना होगा, कोई गलत काम ना करें, जो भी करें सोच समझकर ही करना होगा। किसी से ज्यादा उम्मीद ना करें। जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति आपको सावधान रहना होगा। नौकरी या बिजनेस से जुड़े जरूरी कागजी कामकाज सावधानी उसमें रखें। नया काम शुरू करने से बचें। गोचर कुंडली के आठवें भाव में चंद्रमा आपकी राशि के लिए ठीक नहीं है। मानसिक तनाव हो सकता है। कहीं सुनी बातों पर भरोसा ना करें। लेन देन में भी सावधानी रखनी होगी। नए लोगों और तकनीक के मामले में संभल कर रहें। लोहे से नुकसान हो सकता है, चोट लगने की संभावना है। सुबह से ही थोड़ी बेचैनी और सुस्ती महसूस हो सकती है। लगभग हर काम पर ध्यान देने में आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। मौसम में बदलाव होने से छोटी मोटी परेशानियां आ सकती है। वृश्चिक राशि, कामकाज ज्यादा हो सकता है। किसी खास काम को निपटाने में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। आलस्य के कारण कुछ काम भी बिगड़ सकते हैं। आपका कामकाज ज्यादा हो सकता है। परिवार में विवाद की स्थिति भी बन सकती है। परेशानी से बचने के लिए समझौते का मन बना लें। आज आप गुस्से में खुद का भी नुकसान करवा सकते हैं। कुछ फालतू कामों में भी आपका समय खराब हो सकता है। हो सकता है आज पुरानी बातों के कारण कुछ कामों में मन ना लगे। आपकी संवेदनशीलता चरम पर रह सकती है। फालतू कामकाज से दूर रहने की कोशिश करें। जीवन साथी की सेहत की चिंता रहेगी। सेहत थोड़ी नरम हो सकती है। मामूली चोट लगने की भी योग है। धनु राशि, पैसों की समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। बिलिया उधारी चुकाने को लेकर आपकी टेंशन बढ़ सकती है। चंद्रमा की गोचर स्थिति आपके लिए ठीक नहीं कही जा सकती। बिजनेस या नौकरी की टेंशन आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। आपके सामने जिम्मेदारियां रहेंगे, उनको पूरा करने में भागदौड़ भी हो सकती है। पुराने दुश्मन भी आपको परेशान कर सकते हैं। आज आपको सेहत के मामले में संभल कर रहना होगा। लाइफ पार्टनर की भावनाएं समझने की कोशिश करें। मकर राशि, नौकरी और बिजनेस में मन लगाकर मेहनत करनी होगी। जो चीजें आपके कंट्रोल के बाहर थी आज वो आपके ही नियंत्रण में हो सकती है। धन लाभ के बड़े मौके भी आपको मिल सकते हैं। पैसों के मामलों में अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं। पैसों से जुड़ा कोई नया मौका आपको मिल सकता है। आज आप उसका पूरा फायदा भी उठा सकते हैं। बिजनेस या जो भी आपकी आर्थिक गतिविधि है आप उससे भावनात्मक तौर पर जुड़ सकते हैं। ऑफिस और बिजनेस में सभी से विनम्रता से पेश आने पर आप आगे बढ़ सकते हैं। दूर स्थान से कोई अच्छी खबर मिलने की योग है। किसी नजदीकी दोस्त के साथ रिश्तों में बदलाव हो सकता है। आपको कुछ जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है। कुंभ राशि, कारोबारी यात्रा करने के योग बना रहे हैं। बिजनेस में कुछ लोग आपकी बुराई भी कर सकते हैं। कुछ दोस्त आखिरी समय पर साथ छोड़ सकते हैं। सावधान रहें, आलस्य और थकान भी महसूस हो सकती है। एलर्जी या इन्फेक्शन हो सकता है। जरूरी काम निपटाने के लिए कर्जा लेने की योग है। कोई नया डिसीजन लेने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विवादों में ना पड़े, कुंभ राशि वाले लोग परेशान हो सकते हैं। खुद पर घमंड ना करें, कोई पुराना दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। गुस्से या चिढ़कर बात करने से बचें। उलझाने अंदाज में किसी से भी बात ना करें। आप विचारों में खोए रह सकते हैं, इससे कोई मौका भी हाथ से निकल सकता है। मीन राशि, ऑफिस और बिजनेस में नए कामकाज की रूपरेखा आज बन सकती है। इसमें आप काफी हद तक सफल हो सकते हैं। पार्टनर से सहयोग मिलेगा। गहराई से विचार विमर्श हो सकता है। लव लाइफ के पुराने मामले सुलझने की संभावना बन रही है। किसी बड़ी योजना को पूरा करने की प्लानिंग बना सकते हैं। ऑफिस में आपको जिम्मेदारी वाला काम भी मिल सकता है, जिसको पूरा करेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। नई वस्तु खरीदने के योग बन रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है जो आने वाले दिनों में आपकी मदद करेगा। आपके सोचे हुए काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। माता से सुख मिलेगा। पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है। आज आप नए कारोबार की रूपरेखा भी बना सकते हैं। बिजनेस बढ़ सकता है। जीवन साथी सही सहयोग मिलने के आसार है। भाग्य चक्र में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।